suicide. Suicide? आप सब इनके पड़ोसी हैं? जी सर, हम सब पड़ोसी हैं। तो ये लाशें सबसे पहले आप लोगों ने देखी? सर, वो हुआ ऐसा था कि जब मैंने पहली बार आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कोई पटाखे जला रहा है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार आवाज सुनी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए मैं अपने पति हर्ष को बुलाने चली गई। हर्ष, ये क्या आवाज आ रही है बाहर से? बाजी, ये क्या गोली चलने की आवाज है? आज तक मैंने असली गोलियों की आवाज सुनी नहीं, तो मुझे पता नहीं गोलियों की आवाज है या फटाके की आवाज। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हर्ष, कहाँ थे तुम? मैं बाहर था, ये आवाजें सुनी तुमने? लगता है सुनीति के घर से आ रही है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं घुस गए उनके घर में? अब क्या करें? पापा, मैं जाके देखूं। नहीं नहीं, उन लोगों के पास हथियार हैं, तुम खतरे में मत पड़ो। तुम पहले कॉल करके देख लो कोई फोन उठाता है या नहीं। जी सर। फिर हमने फोन किया मगर किसी ने फोन ही नहीं उठाया, तब सर हम यहाँ देखने चले आए। सुनिधि, तुम लोग ठीक तो हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुनिधि, क्या हुआ दादा, सब ठीक तो है ना? बोली नहीं रहे यार, दरवाजा खोलो। गोली चलने की आवाज आई अंदर से दो बार, पता नहीं। मैंने भी सुना। एक मिनट, मैं पीछे जाके खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जल्दी जा। खिड़की से मैंने इनकी लाशें पड़ी हुई देखी सर, और तुरंत हम लोगों ने आपको फोन कर दिया। क्या वजह लगती है आप लोगों को इनकी आत्महत्या करने की? किसी परेशानी वगैरह से गुजर रहे थे क्या ये लोग? नहीं सर, और अगर गुजर भी रहे हैं तो पता नहीं सर, क्योंकि ये ज्यादा बातचीत नहीं करते थे किसी से, अपने में ही मस्त रहते थे। कभी इनके आपसी झगड़े की आवाज सुनी थी आप लोगों ने? नो मैम, इनके आपसी झगड़ों की क्या, इनके घर से कभी लाउड म्यूजिक की भी आवाज नहीं आई, बहुत ही भले लोग थे। हेलो, हाँ तारिका। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं बाहर आ रहा हूँ। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ हाँ, वो नेटवर्क ठीक नहीं था अंदर कमरे में। हाँ बोलो। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पिछले केस के एविडेंस पे साइन किया था। ठीक है, अर्जेंट है? ओके ओके, ठीक है, मैं आके साइन करके जाता हूँ। ओके थैंक्स। रेडी, मुझे कुछ काम से फॉरेंसिक लैब जाना होगा, अभिजीत को बता देना। क्या हुआ सर, आप कुछ सोच रहे हैं? ये सुनिधि का चेहरा देख रहा हूं, एकदम शांत, जैसे इसको पता ही नहीं इस पे गोली चलने वाली है। यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ सुथरा, लगता है किसी ने क्राइम सीन सजा दिया है हमें गुमराह करने के लिए। सर, यानी कि आपको लगता है ये केस डबल सुसाइड का है, बल्कि डबल मर्डर का है? कुछ तो है अजीब इस केस में, सब कुछ इतना सीधा साफ है नहीं जितना दिख रहा है। बस इन दोनों को एक ही गन से गोली मारी गई और उस गन पर कैलाश की उंगलियों के निशान हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये आत्महत्या का मामला है। तो आपको भी मर्डर लग रहा है ना सर? एग्जैक्टली, मर्डर ही है। बस
कैलाश के शरीर में 7 हड्डियां टूटी हुई हैं और ये फ्रैक्चर अभी का है, नया पुराना नहीं है। मारपीट हुई है क्या? ऐसा लगता तो नहीं बॉस, क्योंकि इनके शरीर पर किसी किस्म के कोई निशान नहीं है, कोई जख्म नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है बिना चोट या किसी निशान के 7 हड्डियां टूटी हुई? उसी का जवाब तो ढूंढ रहा हूं मैं। सर? सर, ये सुनिधि और कैलाश के कपड़ों में मुझे काफी कुछ मिला है। ये फैट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फॉस्फोलिपिड्स, लैक्टो मिनरल्स, इन सारी चीजों के ट्रेसेस मिले। इतनी सारी चीजें दोनों के कपड़ों में मिली, इतनी चीजें आई कहां से होगी? बस सर, वही सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। सर, ये दया नहीं आया अभी तक। वो मैंने कल उन्हें फोन भी किया था, कुछ अर्जेंट पेपर्स थे साइन करने के लिए, इसलिए। दया आया कैसे नहीं? कल रात क्राइम सीन से हमारे सामने निकला था यहाँ आने के लिए। लेकिन अब तक पहुंचे नहीं। पूरी, दया को फोन लगा अभी। सर, दया सर फोन नहीं उठा रहे। फोन उठा नहीं रहा? ऐसा करता नहीं है सर कभी। लोकेशन देखो कहाँ पे है। सिद्धार्थ सर की फोन की लोकेशन तो क्राइम सीन पे ही है। तो क्या फिर से क्राइम सीन पर गया? अगर गया भी तो बताना चाहिए था ना। नहीं सर, फोन क्राइम सीन से निकला ही नहीं, वहीं पर है कल रात से। सर, हम लोगों ने कल क्राइम सीन जब सील किया था तो दया वहां था ही नहीं, कोई नहीं था वहां पे। दया गया कहां? सर, दया सर का फोन तो यहीं पे ट्रैक हुआ है, कैलाश के घर पे, मगर दया सर तो कहीं है ही नहीं। लेकिन फोन के लोकेशन तो अभी भी यही है ना। हाँ सर, लोकेशन तो यहीं पर है सर, कहीं कुछ। सर, दो खून हो चुके सर, और अचानक दया सर का गायब हो जाना। क्या तुमने दया को आखिरी बार कहाँ पे देखा था? एग्जैक्टली मैं यहाँ पे खड़ा था, एविडेंस चेक कर रहा था, और दया सर वहां पे खड़े थे, फोन पे बात कर रहे थे फॉरेंसिक लैब में, और मैं आपको बुलाने के लिए उस तरफ गया, और अचानक पता नहीं क्या हो गया।
अंदर कुछ नहीं है सर। कमाल है यार, फोन तो यहाँ पे है, फिर गया कहाँ? का मोबाइल अभिजीत सर। सर ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया, जैसे ही मैंने टेबल पे हाथ रखा बाहर से दरवाजा खुल गया। शायद उसी से खुलता होगा इस तहखाने का दरवाजा। ये देखो दया का मोबाइल मिला है मुझे, मेरी तरह दया भी यहीं पे गिरा होगा। बटन यहाँ पे क्या कर रहा है? सर, सर पीछे एक और दरवाजा है जो जो बाहर एक छोटी सी सड़क पर खुल रहा है। खुफिया तहखाने का खुफिया दरवाजा। में से किसी को पता नहीं इस तहखाने के बारे में? सर हम उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थोड़ी ना थे कि हमें सब पता होगा कि क्या चल रहा है उनके घर में। सर इनके घर में अगर तहखाना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टायर का निशान है। आप लोग ऐसे पूछताछ करके क्या करना चाह रहे हैं जैसे हमने गुनाह किया हो? वो इसलिए कि एक सीआईडी ऑफिसर गायब है। सीआईडी ऑफिसर? दो लोग यहाँ रहते थे वो तो मर चुके हैं, मतलब किसी तीसरे का काम है। आप ही लोग रहते हैं ना आसपास यहाँ पे? सर सर वहाँ पर टायर के निशान है और निशान देखकर लगता है कि किसी बड़े ट्रक के हैं। ट्रक? हाँ सर, निशान के साथ साथ सब्जियों के टुकड़े भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। कोई सब्जी वाला ट्रक आया होगा यहाँ पे। अब ये मत कहना कि यहाँ पे किसी सब्जी वाले ट्रक को आते जाते नहीं देखा। सर हमने तो कभी नहीं देखा है। कमाल है हर बात में ना। एक मिनट, आप लोग इधर आइए। पूर्वी इधर आइए आप लोग प्लीज। पूर्वी सर ठीक हो? अंकल मैंने कुछ नहीं किया। ठीक तो मेरे हाथ में गन है। बेटा गन नीचे रख दो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं मुझे मालूम है बेटा कुछ नहीं किया, आप गन नीचे रखो। शायद गोली छूक के निकली है। ये देखो अंकल ने गन रख दी। घबराओ मत बेटा। अंकल आई एम सॉरी अंकल। बिल्कुल घबराओ मत हैं। ये गन मुझे देना। ला बेटा। अच्छे बेटे शाबाश। गुड बॉय। गन बेटा याद रखो, गन जो है ना वो खिलौना नहीं होती, उससे किसी की जान भी जा सकती है। हैं? तुम उससे वादा करो गन से नहीं खेलोगे? मैं कभी नहीं खेलूंगा। खिलौने वाली गन से भी नहीं? नहीं। और आप लोग
हम आपको भी ध्यान रखना चाहिए था। आप लोग बच्चों को खिलौने वाली बंदूक दिला तो देते हैं और इन लोगों को आदत पड़ जाती है जाने अनजाने में बंदूक चलाने की, उससे खेलने की। जब कभी असली गन उनके हाथ में आती तो उन्हें थोड़ी ना पता चलता है कि असली है कि खिलौने वाली, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। दया की गन? अच्छा भाई, बॉस ने कहा है आज की रात आएगी पार्टी इन बच्चों की डिलीवरी लेने, ठीक है? वो तो ठीक है बॉस, बच्चे तो अपने सही जगह पर पहुंच ही जाएंगे, मगर इस सीआईडी वाले करे क्या? बोलो तो इसे भी भगवान के पास पहुंचा दो क्या? इसकी किस्मत में लिखा तो यही है, लेकिन फिर भी क्या है, बॉस से पूछ लेते हैं। अबे एक बात बता, उसको क्या जरूरत है सीआईडी के पहलवान को यहाँ लाने का? साइज देखा क्या तू उसका? अरे यार अच्छा हुआ बेहोशी की दवा लेकर पटक रखा है, होश में होता ना भाई तो भी कोहराम मचा देता है यहाँ पे, बता देना। यार पूरी कैसी है? ठीक है सर, किस्मत अच्छी थी, गोली पैर को छू के निकली है। थैंक गॉड। चलो अच्छा है। सर, जो केमिकल्स उन कपड़ों पे से मिले थे ना, ठीक वही केमिकल्स मुझे इस बेसमेंट वाले नैपकिन से मिले। कौन सा केमिकल? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को देते हैं। लेकिन सर कैलाश और सुनिधि के घर पे हमें कोई बच्चा दिखाई नहीं। नहीं नहीं, एक ना एक बच्चा तो जरूर होगा, क्योंकि मुझे इस नैपकिन पे से बेबी सलाइवा यानी बच्चे की थूक भी मिली है। नहीं, नहीं, बच्चा था भी तो कोई तहखाने में क्यों रखेगा? अभिजीत, बच्चे को तहखाने में रखना, इसका मतलब है बच्चों को गायब करना। बेबी ट्रैफिकिंग, बेबी ट्रैफिकिंग। तभी उन लोगों ने अपने घर में ये खुफिया तहखाना बना रखा था और पीछे खुफिया दरवाजा। बस बस ये कंफर्म हो गया है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की, इन दोनों का मर्डर किया गया। और ये सुनिधि के खून में मुझे कुछ नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले जो इंसान को बेहोश करने के काम में आती है। सुनिधि की बॉडी में और कैलाश की भी? उस कैलाश की बॉडी में इतनी सारी दवाइयों के केमिकल्स हैं कि एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है कौन सा केमिकल किस दवाई का है। दवाई के केमिकल मतलब? मतलब ये बस के कैलाश को एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, फाइब्रोडिस्प्लेसिस ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इस बीमारी में दरअसल इंसान के टिश्यूज बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसकी हड्डियां भी बहुत नाजुक हो जाती हैं। जरा सी भी लापरवाही हुई, एक झटका भी लगा, हड्डियां टूट सकती हैं। तो फिर ऐसी बीमारी वालों को तो बहुत संभाल के इधर उधर आना जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, जरा सा कोना भी किसी चीज का अगर टकरा गया, झटका जरा सा भी लग गया तो हड्डियां टूट सकती हैं। तो फिर एक बात तो पक्की है अभिजीत, कैलाश ने लापरवाही से अपनी हड्डियां नहीं तोड़ ली, किसी और ने जबरदस्ती की है कैलाश के साथ। बिल्कुल बॉस, मुझे लगता खूनी को पता ही नहीं था कि कैलाश को ये रेयर डिजीज है। उसने जोर जबरदस्ती की, उसे लगा कि मैं इसको खून की बजाय आत्महत्या में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस ये इसकी ये इंडेक्स फिंगर, ये अपने आप ट्रिगर पर नहीं गई। खूनी ने जबरदस्ती इस उंगली को ट्रिगर पर रखा और खुद जबरदस्ती दबाया, और इसी जबरदस्ती की वजह से ये उंगली टूट गई। काफी लंबी प्लानिंग की थी खूनी ने, शायद उस वक्त खूनी तहखाने में छुपा होगा और दया को मिल गया। हो सकता है। उन सब्जी के ट्रक्स के बारे में क्या पता चला? सर पंकज लगा हुआ है ट्रक के बारे में पता लगाने के लिए, ऐसे ट्रक वालों का पता लगा रहा है जो सब्जियों के व्यापार के लिए ट्रक किराए पे देते हैं। अब कहीं वो सीआईडी वाला तो नहीं जा गया, होश में आ गया वो? देख अबे बच्चे देख, बच्चे देख। अरे हाँ, बच्चे नहीं निकल गया।
बच्चे राजू, अरे बताएगा कोई क्या हुआ? मुझे बता अमर, हाँ क्या हुआ? राजू बच्चा भी नहीं है। सिंपल साहब, खुदकुशी का केस है, लेकिन आप लोग सवाल जवाब ऐसे कर रहे हो जैसे खून हो गया हो। और अगर हम ये कहें कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है तो? मर्डर? जी हाँ, मर्डर। न सिर्फ ये मर्डर है बल्कि कैलाश और सुनिधि मुजरिम थे, बच्चों की तस्करी में शामिल थे ये लोग। बच्चों की तस्करी? हे भगवान, क्या क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में? और भी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप में से किसी ने कैलाश के घर में किसी अजनबी को आते हुए देखा है? किसी टेढ़े आदमी को? सर, हम तो काम से काम रखने वाले लोग हैं, हमें क्या पता कौन किससे मिलने आता है और कौन किससे नहीं। वाह, ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सुना, और ना आप बोलने को तैयार है। उन तीन बंदरों की याद आ गई मुझे, तो ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, और ना बुरा बोलते हैं। कमाल है आप लोग। अबे वो गाड़ी में भाग रहा है, देख। ओए पहलवान रुक जा। सर, घर में कुछ नया तो नहीं मिला? ये घुंघरू मिला है जो शायद नए। घुंघरू? ये सुनिधि डांसर थी क्या? नहीं सर, सुनिधि नहीं, कैलाश। वो भरतनाट्यम सीखता था। कैलाश भरतनाट्यम सीखता था? सुनिधि नहीं। हाँ सर, कैलाश सीखता था। हर बुधवार को उसकी टीचर आती थी पीले रंग के स्कूटर पे। अच्छा, बाकी कोई चीज तो आपको याद नहीं है, ये बात इतनी डिटेल में कैसे याद है? क्योंकि मैं खुद डांस सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने कैलाश से उसकी टीचर का नंबर भी मांगा था, लेकिन उसने कोई बहाना बना दिया। और एक दिन तो मैं उसकी टीचर के पास भी गई थी, उनको कहा कि मुझे आपसे डांस सीखना है, लेकिन वो कहने लगी कि उनके पास में वक्त नहीं है। I see. अगले सुराग की कड़ी मिल गई है शायद हमको। ये कैलाश तो डांस सीख ही नहीं सकता, उसे तो हड्डियों की बीमारी है। सर, शायद ये भरतनाट्यम टीचर उसी गैंग की मेंबर है जो जुर्म में शामिल है। एग्जैक्टली। हर बुधवार आती थी ना ये डांस सिखाने। पिछले तीन बुधवार के फुटेज निकालो टोल नाका से, पता करो कितनी लड़कियां पीले स्कूटर से गुजरी हैं, उन्हीं में से होगी अपनी ये डांस टीचर। हाँ पंकज, क्या पता चला ये सुनिधि और कैलाश के बैंक रिकॉर्ड और मोबाइल फोन से? कुछ खास नहीं, बहुत चालाक है। अच्छा, वो सब्जी वाले ट्रक के बारे में क्या पता चला?
भाग गया सीआईडी वाला। अबे बच्चे भी ले गया, ढूंढो बहुत जान लेगा हमारी, ढूंढो अरे ढूंढो जाएंगे चलो। सर कैलाश के डांस टीचर का वो पीला स्कूटर मिल गया जिस पे वो हर बुधवार आती थी। ये आरटीओ से डिटेल निकाली इसकी? हाँ सर, नमिता नाम की लड़की है और ये कोई डांस टीचर नहीं है बल्कि एक मटर्निटी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। ये क्या खून? हो रहा है? अरे आपको तो चोट लगी है, यूं खड़े रहोगे तो आप गिर जाओगे। कितना खून बह रहा है आपका, आपको दर्द नहीं महसूस हो रहा है? बेटा आप यहाँ किसके साथ रहते हो, अकेले रहते हो? नहीं नहीं, मां बाबा है ना, पर वो आज शहर गए क्योंकि किसानों का रैली है ना, उसमें हिस्सा लेने। फिर तो मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कहीं मेरी वजह से मासूम भी खतरे में ना पड़ जाए। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो अभी? बेटा मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, पहले कुछ खा लो, ताकत आ जाएगी फिर जाना। बाबा कहते हैं कि घर आए मेहमान भगवान से बरोबर रहते, उनको खाली पेट नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा बोलते हैं आपके पापा। बेटा थोड़ा थोड़ा दूध मिल जाएगा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए? हाँ हाँ जरूर। नमिता का खून एक घंटे पहले हुआ है, आप लोगों के वहां पहुंचने से सिर्फ एक घंटे पहले। एक घंटे पहले?
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेडी कि खूनी ने इतनी लंबी प्लानिंग की थी कैलाश और सुनिधि को मारने के लिए, लेकिन नमिता को मारने में इतनी हड़बड़ी क्यों? इतनी हड़बड़ी क्यों? वो अगर चाहता तो उन दोनों के साथ इसे उसी वक्त मार देता। हाँ सर, 20 घंटे बाद उसने नमिता का खून किया और इतने सारे सुराग भी छोड़े, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिजीत, खूनी नमिता को मारना नहीं चाहता था, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उसे लास्ट मोमेंट डिसाइड करना पड़ा नमिता को मारने के लिए। पर ऐसी क्या मजबूरी थी खूनी की? सर मजबूरी? सर कहीं ये नमिता हमारे पास तो नहीं आने वाली थी? या फिर खूनी को पता चल गया था कि हम नमिता के पास जाने वाले? खूनी पड़ोसियों में से कोई एक है, उन लोगों ने हमारी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि हम नमिता के घर पहुंचते, खूनी वहां पहुंच गया और फोन कर दिया नमिता का। एक काम करते हैं, सभी पड़ोसियों की कुंडली निकालते हैं। तुम लोग की दुश्मनी मेरे साथ है, जाने दे बच्चे को। सर, सारे पड़ोसियों का मोबाइल फोन ट्रैक किया हमने, किसी का भी फोन नमिता के घर तक गया ही नहीं है, और दो लोगों के पास तो मोबाइल फोन नहीं है। मतलब जब खून करने गया खूनी तो साथ में मोबाइल फोन लेकर नहीं गया, और क्या पता चला पड़ोसियों के बारे में? सर हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, और सर दो लोगों को पेसमेकर लगे हुए। अच्छा, पेसमेकर लगे हुए? तो मेरा भैया, जिनको पेसमेकर लगे हैं उनके पास तो स्मार्टफोन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई स्मार्टफोन पेसमेकर के करीब आ जाए तो पेसमेकर बंद पड़ जाता है। कौन लोग हैं ये दो? सर जीवन और महेश, इनके पास मोबाइल फोन नहीं है। जीवन और महेश इनके पेसमेकर ट्रैक करते हैं। इंतजार कर रहे थे बस। बच्चे कहाँ?
अंदर ही अमर बॉस, इसका क्या करना है? मार दे उसे। सर, 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 तुम ठीक हो? सर, बच्चे, बच्चा? कहाँ है बच्चे? वहाँ। कहाँ है बच्चे? बस। युवान, नहीं तो इन बच्चों के साथ क्या-क्या होगा? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। युवान, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। अब चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ऐसा डायलॉग नहीं। सर! देखो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वही कहीं नहीं जाएगा। शायद होशियारी नहीं करना। वैसे तुम सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँचे कैसे? सीआईडी मुजरिमों तक पहुँचने का रास्ता निकाल ही लेती है, और इस बार रास्ता बताया तुम्हारे धड़कते दिल के बगल में जो पेसमेकर है ना, उसने। पेसमेकर? हाँ, पेसमेकर। तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा पेसमेकर तुम्हारी दिल की धड़कनों का रिकॉर्ड रखता है? अरे उसके साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड रखता है कि तुम कहाँ जाते हो और कहाँ से आते हो, समझे? बस पता लगा लिया हमने, नमिता की मौत के वक्त तुम उसके घर में ही थे। युवन जी, सुनिधि और कैलाश की मौत के वक्त तुम सो नहीं रहे थे, तुम जागे थे, ये भी तुम्हारे पेसमेकर ने हमें बता दिया। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, मेरा सारा धंधा हड़प कर लेते, इसलिए मैंने उन्हें मारकर आत्महत्या दिखाया। तुम्हें अंदाजा नहीं था है ना कि सीआईडी वाले तुम्हारे बंद तहखाने तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारा अंडा फोड़ देंगे। ये सब तुम्हारे इस ऑफिसर दया की वजह से हुआ। गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया वो। आप पुरानी आदत है दया की, मुजरिमों तक पहुंचने के लिए हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पे पहुंच ही जाता है। क्यों दया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? दया, जीवन, जिन बच्चों ने ढंग से अपनी मां का आंचल तक नहीं पहचाना, उनकी जिंदगी तबाह करने निकले थे तुम। पता नहीं कितने मासूम बच्चों की जानें ले ली है तुमने। इससे तो बढ़कर और कोई संगीन जुर्म ही नहीं हो सकता। फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना दुनिया में, तो वो भी तेरे जैसे के लिए कम ही होती। चल, ये बच्चों को संभालो तुम लोग। टिकू, आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम, फिर मिलेंगे। ओके अंकल। ख्याल रखना अपना। अभिजीत, देख हॉस्पिटल लेकर जा। यस सर। अरे यार, ये
हॉस्पिटल नहीं चलते हैं, मैं ठीक हूँ, जाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, सर का ऑर्डर है, आपको हॉस्पिटल जाना है तो लेके चलना पड़ेगा। चलो यार, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, फिर पट्टी वट्टी करके निकलते हैं। हाँ मैं तो कहता हूँ यार, एडमिट हो जाओ, क्या पता कोई अच्छी सी लेडी डॉक्टर मिल जाए तो शादी वादी हो जाएगी। शादी? ये शादी का ख्याल कहाँ से है? अरे यार, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे तीन मासूम बच्चे हैं, इनको तुम संभाल रहे थे। एक केस में मैंने भी दो बच्चों को संभाला था, तो बच्चों को संभालने की आदत हो गई है, शादी भी संभाल लेंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हाँ, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, देखते वहाँ पे कोई अच्छी गुड लुकिंग डॉक्टर मिल जाए। चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी एडमिट हो जाऊंगा यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.